थार, स्कॉर्पियो, सफारी और फॉर्चूनर। क्या आप जानते हैं इन सभी गाड़ियों में कॉमन क्या है? हाँ, ये सभी की सभी SUVs हैं। इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ये ऑफ रोड पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं और इनके अंदर स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन एक बात और है जो इन बच SUVs के मामले में कॉमन है, और वो है इनके ओनर्स। सी, आपकी कार का प्राइस कितना होगा वो मोस्टली आपकी अर्निंग्स पर डिपेंड करता है, लेकिन आप किस टाइप की कार पसंद करते हैं ये आपकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। इंडिया में वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के पास आपको मोस्टली सेडान्स, हैचबैक्स और कॉम्पैक्ट SUV वगैरह ही देखने को मिलेंगी। लेकिन आज की डेट में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और बिल्डर वगैरह बड़ी SUVs लेते हुए दिखाई देते हैं ताकि वो अपनी डोमिनेटिंग इमेज को इंडियन रोड्स पर भी प्रोजेक्ट कर सकें। और ऐसी भौकाल टाइप SUVs की लिस्ट में स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर सबसे टॉप पर आती हैं। लेकिन आफ्टर कोविड पिछले कुछ समय में इस लिस्ट के अंदर एक नया गैंग लीडर भी जुड़ गया है, यानी कि लैंड रोवर डिफेंडर। डिफेंडर के अलावा टोयोटा लैंड क्रूजर, मर्सिडीज जी वैगन वगैरह भी नए नए शामिल हुए हैं इस लिस्ट में, लेकिन इन गाड़ियों की बात हम आगे कभी और करेंगे। लेकिन डिफेंडर की आज मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कार राइट अवे लग्जरी नहीं है। हाँ, लग्जरी सेगमेंट में फॉल होती है, लेकिन जब आप लैंड रोवर की बाकी गाड़ियों से इसको कंपेयर करते हैं तो ये उस लेवल की लग्जरी नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये पॉलिटिशियंस के बीच में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। जैसे कि तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के पास डिफेंडर है। इसके अलावा संजय राउत, सन्नी देओल, राज ठाकरे, विजय वसंत जैसे पॉलिटिशियन के पास भी डिफेंडर है। और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, रवि तेजा और सुनील शेट्टी के पास भी ये गाड़ी है। और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी भी अपनी कलेक्शन के अंदर डिफेंडर को शामिल करके रखते हैं। सी, SUV साइज में बड़ी होने के कारण ज्यादा पार्किंग स्पेस लेती हैं और इनकी माइलेज भी पुअर होती है, लेकिन ये ज्यादा सिक्योर भी होती हैं और बेटर विजिबिलिटी भी ऑफर करती हैं। और अक्सर इस टाइप की कार्स को ऐसे लोग खरीदते हैं जो ऑन द रोड ज्यादा डोमिनेटिंग एंड पावरफुल दिखना चाहते हैं। लेकिन इस गेम में डिफेंडर की एंट्री कैसे हुई? कैसे डिफेंडर, जो कि एक पावरफुल ऑफ रोडर है, वो इंडिया के अंदर एक स्टेटस SUV बन पाई? और इसमें वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से इसको बहुत ज्यादा आगे प्लेस करते हैं? चलो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये डिफेंडर आखिरकार ओरिजिनेट कैसे हुई। डिफेंडर की हिस्ट्री को हम दो पार्ट में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कि कैसे डिफेंडर दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ रोडर SUV बन पाई। डिफेंडर की कहानी शुरू होती है 1948 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के कारण रोवर कंपनी के व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई, क्योंकि रोवर कंपनी बनाती थी लग्जरी कार्स और वर्ल्ड वॉर 2 के पास लोगों की जेब में पैसे नहीं थे UK के अंदर। और इसीलिए रोवर कंपनी ने अमेरिका की विलीज जीप से इंस्पायर होकर पहली लैंड रोवर लॉन्च करी, जो कि एग्रीकल्चर फोकस्ड 4-व्हील ड्राइव ट्रक था। और इसको स्ट्रक्चरल मजबूती देने के लिए इसके फ्रेम में स्टील और बॉडी में एल्यूमिनियम का यूज किया गया था, और वो भी उस टाइम पर। और यहीं से लैंड रोवर सीरीज 1 का जन्म हुआ। कंपनी ने इसको व्हील बेस, डोर काउंट और बॉडी स्टाइल बेसिस पर कई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लॉन्च किया था, जैसे कि 2 और 4 डोर ऑफ रोड व्हीकल और 2 डोर पिकअप ट्रक वगैरह। और फिर 1949 में कंपनी ने 7-सीटर स्टेशन वैगन भी लॉन्च कर दी, जो कि कंपनी का फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट एक्सपेंशन था। लैंड रोवर सीरीज 1 के जस्ट 10 साल बाद ही सीरीज 2 लॉन्च कर दी गई। एंड सेम एज सीरीज 1, सीरीज 2 के अंदर भी कंपनी ने प्रैक्टिकलिटी पर पूरा का पूरा फोकस किया था, और डोर कार्ड्स और साइड मिरर्स के अलावा उन्होंने एक्सटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। फिर इसके बाद 1971 में लॉन्च हुई सीरीज 3, और वो 1995 तक चली। सीरीज 3 में जो मेजर चेंजेस लैंड रोवर ने करे थे वो था V8 इंजन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसके पहले कंपनी सिर्फ 4 या 6 सिलेंडर इंजन का ही यूज करती थी। लेकिन 1979 में लैंड रोवर ने 3.5 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन भी इस गाड़ी के अंदर डाल दिया, और ये प्रोड्यूस करता था 91 हॉर्स पावर, जो उस टाइम के लिए काफ़ी ठीक थी। सीरीज 1 से लेकर सीरीज 3 तक कंपनी ने व्हीकल की लेंथ में और इंजन साइज में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट्स करे, ताकि ये गाड़ी एज अ कमर्शियल व्हीकल भी ढंग से यूज करी जा सके। ये गाड़ी इतनी ज्यादा रगेड और कैपेबल थी कि 1949 से ही ब्रिटिश आर्मी लैंड रोवर की इस व्हीकल को यूज करती आ रही थी, और ब्रिटिश आर्मी के अलावा अल्बेनियन, इटालियन और ऑस्ट्रेलियन आर्मीज भी लैंड रोवर व्हीकल्स का ही यूज कर रही थी। और देखते ही देखते आर्मी और अदर कमर्शियल यूज केसेस में इस गाड़ी का इस्तेमाल किए जाने की वजह से लैंड रोवर के इस व्हीकल की इमेज एक पक्के ऑफ रोडर की तरीके से उभर के सामने आई। और लैंड रोवर, जो कि रोवर कंपनी की सिर्फ एक व्हीकल सीरीज थी, वो खुद में इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी थी कि 1979 में कंपनी का नाम ही लैंड रोवर रख दिया गया। 1983 में कंपनी के 3 सीरीज के सक्सेसर के रूप में कंपनी ने लैंड रोवर 90 और 110 मॉडल्स को लॉन्च किया था, लेकिन इसके एक्सटीरियर में कुछ फुल लेंथ बोनट, रिवाइज ग्रिल और फिटिंग व्हीकल आर्चेस एक्सटेंशन जैसे कुछ ही चेंजेस किए गए थे, जिसके चलते न्यू मॉडल्स को 3 सीरीज से डिफरेंशिएट किया जा सकता था। लेकिन 90 और 110 मॉडल्स अपने प्रीडिसेसर से काफी ज्यादा मॉडर्न थे, क्योंकि जहां पुराने मॉडल्स के अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन हुआ करते थे, वहीं न्यू मॉडल्स के अंदर पहली बार कॉइल ओवर सस्पेंशन दिए जाने लगे थे, जिससे कि एक्सल आर्टिकुलेशन इंप्रूव होता है और ओवरऑल राइड क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ
स्प्लिट विंडस्क्रीन की जगह अब वन पीस विंडस्क्रीन और पहले से ज्यादा मॉडर्न और मोर पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा था इस गाड़ी के अंदर। लैंड रोवर सीरीज में नए नए इटरेशंस लगातार आए जा रहे थे और इसे लगातार एडवांस बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भी ये गाड़ी डिफेंडर नहीं बनी थी, क्योंकि डिफेंडर का नाम उसको 1990 में मिला था और इसके अंडर तीन मॉडल्स फिर से लॉन्च किए गए थे, यानी कि 90, 110 और डिफेंडर 130। यानी कि इनकी लेंथ अलग अलग थी, इसीलिए 90, 110 और 130 नाम रखा गया था इनका। 1990 में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मॉडर्न इंजन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अब लैंड रोवर फोर्ड के अंदर आ चुकी थी और इसके कारण डिफेंडर में 2.2, 2.4 और 2.5 लीटर के टर्बो डीजल इंजन को भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। और इसके अलावा जैगवार का 5 लीटर का AJ V8 सुपरचार्ज इंजन भी इस गाड़ी के अंदर दिया जाने लगा। और अब इन न्यू इंजन के दम पर डिफेंडर कम्फर्टेबली हाई स्पीड पर क्रूज कर सकती थी और इकोनॉमिकल होते हुए भी हैवी लोड्स को हिल्स वगैरह पर आराम से खींच सकती थी। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज्यादा कमाल की बात थी वो ये थी कि एक तरफ लैंड रोवर कंपनी अपनी सारी कार्स को नए अवतार के अंदर लॉन्च करे जा रही थी विद ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजीज और बहुत ही ज्यादा नए टाइप के इंजिन्स, लेकिन डिफेंडर के मामले में हमें बहुत ही लंबे समय तक कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। और एक टाइम पर तो ऐसा लगना ही बंद हो गया था कि रेंज रोवर और डिस्कवरी वगैरह डिफेंडर के साथ कोई रिश्ता भी रखती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 1990 से लेकर 2016 तक डिफेंडर के डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं करे गए थे एक्सेप्ट इंजन अपडेट्स। लेकिन फिर 2016 में लैंड रोवर ने डिफेंडर को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 2015 में इंप्लीमेंट किए गए न्यू पेडेस्ट्रियन क्रैश सेफ्टी रेगुलेशंस को ये फुलफिल नहीं कर पा रही थी। और इसके अलावा डिफेंडर US सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पर भी पूरी खरी नहीं उतर पा रही थी। खैर, नई डिफेंडर 2020 में लॉन्च की गई और इसके अंदर फिर से सेम तीन साइजेस लॉन्च किए गए, यानी कि 90, 110 और 130। लेकिन लैंड रोवर ने इस बार इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे और सारे चेंजेस इस बात पर फोकस थे कि ये गाड़ी अप मार्केट दिखाई दे। सी, लैंड रोवर ने 1997 के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर कैब और पिकअप जैसे स्पेसिफिकेशन वाले यूटिलिटी व्हीकल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसके बाद वो वहां पर डिस्कवरी, फ्रीलैंडर और रेंज रोवर जैसे मॉडल्स लेकर आए जो कि लग्जरी सेगमेंट में प्लेस करे गए थे। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि लग्जरी सेगमेंट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं, एंड सेम यही स्ट्रेटजी उन्होंने लैंड रोवर डिफेंडर के साथ भी अपनाई, जिसके अंदर उन्होंने पिकअप, कैब और स्टेशन वैगन जैसे मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया और सिर्फ SUVs पर फोकस किया। लैंड रोवर ने पावर ट्रेन, ट्रिम लेवल और एडिशंस के बेसिस पर डिफेंडर के कई मॉडल्स को लॉन्च किया और लैंड रोवर की यही स्ट्रेटजी काफी सक्सेसफुल भी रही, जो कि लैंड रोवर की ओवरऑल सेल्स में भी हमें पता लगती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिसंबर 2022 में लैंड रोवर के टोटल ऑर्डर्स में 214,000 गाड़ियों का बैकलॉग लगा हुआ था। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड रोवर के इस टोटल बैकलॉग के अंदर 74% कंट्रीब्यूशन तो डिफेंडर का ही था। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अक्टूबर 2020 में लैंड रोवर ने डिफेंडर 90 और 110 मॉडल्स को इंडिया के अंदर लॉन्च करा था और इन दोनों ही मॉडल्स की सक्सेस को देखकर उन्होंने इंडिया के अंदर लैंड रोवर 130 को भी लॉन्च कर दिया है। डिफेंडर आते ही इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी रोड प्रेजेंस वाली कार बनकर उभरी और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि डिफेंडर इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पसंद की जा रही है। और अगर हम इंडिया के अंदर रुतबे वाली गाड़ियों को देखें तो थार, बुलेरो, टाटा सफारी और स्कॉर्पियो, इन सभी गाड़ियों के अंदर फॉर्च्यूनर टॉप पर आती है। और अगर हम इन सभी व्हीकल्स के अंदर कुछ कॉमन ट्रेड्स देखें तो ये सभी के सभी प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। ये सभी के सभी एग्रेसिव लुक्स के साथ आती हैं, ये ह्यूज रोड प्रेजेंस देती हैं और इनके ड्राइवर रोड पर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग पोजिशन पर बैठते हैं, जो कि इनको पावरफुल फील करवाती है। और अगर आप डिफेंडर को देखो तो वो इन सभी चेक पॉइंट्स को आसानी से पूरा कर लेती है। लेकिन इन बातों के साथ आती है इसकी एक्सक्लूसिविटी, जो कि इसको इंडिया के अंदर भोकाल कार्स के अंदर टॉप पर पहुंचा देती है, क्योंकि इंडिया के अंदर हाउस होल्ड इनकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे कि इंडियंस की परचेजिंग पावर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और अब हर इंसान अपने आप को सोसाइटी के अंदर सबसे ऊपर एज ए लीडर दिखाना चाहता है और वो अपने आप को पावरफुल और एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश करता है, और इसके लिए वो ऐसे व्हीकल्स को प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो और सोसाइटी में उनका स्टेटस सिंबल बढ़ाने में मदद कर सकें। और इसीलिए अब कुछ इंडियंस फॉर्च्यूनर के ऊपर जाकर डिफेंडर को ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिफेंडर के साथ लैंड रोवर की ब्रांड एक्सक्लूसिविटी भी आती है तो इसी के कारण इसके बेस वेरिएंट के लिए आपको फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल से भी 80% ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब यही वो सारे रीजंस हैं जिनके चलते डिफेंडर एक हद से ज़्यादा कैपेबल ऑफ रोडर बन पाई है और मोर रगेड देन लग्जरी SUV होने के बाद भी इंडिया के पावरफुल लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन, और जाते जाते ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस SUV के बारे में देखना चाहेंगे। थैंक यू।